एक ऐसा शख्स है जो समंदर में एक गोता लगाकर ही हजारों करोड़ रुपए का मालिक बन गया। गूगल कंपनी के हेडक्वार्टर में 200 बकरियों को नौकरी पर क्यों रखा गया है, और एक ऐसी मछली जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। एक ऐसा इंसान जो कुत्तों वाली जिंदगी जी रहा है। और क्या आपको पता है ताज होटल के वेटर की सैलरी कितनी है, और एक ऐसा स्कूल जहां ट्यूशन फीस लगभग 1 करोड़ रुपए है। किस देश में है ये स्कूल, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1, अमेरिका के रहने वाले मेल फिशर ट्रीजर हंटर थे। इनका काम समंदर में गोते लगाकर खोए हुए खजाने की तलाश करना था। 1975 में मेल फिशर ने फ्लोरिडा के समंदर में गोता लगाया और उस दिन के बाद से उनकी किस्मत बदल गई। उन्होंने खजानों से भरे उस स्पेनिश जहाज को ढूंढ निकाला जो 1622 में डूब चुका था। न्यूएस्ट्रा सेनोरा डी एटोचा नाम के इस जहाज में $450 मिलियन की कीमत के बराबर सोने चांदी के 11,000 से ज्यादा सिक्के, सोने चांदी से बने दर्जनों आर्टिफैक्ट्स, चांदी की 1,000 सिल्लियां और बेशकीमती कोलंबियन एमरल्ड्स मौजूद थे। इस जहाज से प्राप्त किए गए सोने चांदी का कुल वजन 40 टन था। इस खजाने के मिलने के बाद फ्लोरिडा राज्य ने इसमें से 25% हिस्सेदारी मांगी, लेकिन मेल फिशर की कंपनी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मेल फिशर के हक में फैसला सुनाते हुए सारे खजाने का मालिकाना हक उन्हें दे दिया। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ इंसान के साथ ही कुछ बकरियां भी इतने खुशकिस्मत है कि उन्हें भी गूगल कंपनी में नौकरी करने का मौका मिलता है। अब भला गूगल कंपनी में बकरी का क्या काम? वेल, गूगल कंपनी में बकरी को कोई काम नहीं करना होता, उन्हें बस अपने पेट भरने होते हैं। इन बकरियों का काम गूगल हेडक्वार्टर के लॉन में मौजूद घास को चरना होता है। आमतौर पर बड़े हुई घास को काटने के लिए इन मॉवर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पेट्रोल पर चलता है और इससे एयर पोल्यूशन फैलता है। गूगल ने एयर पोल्यूशन कम करने के इरादे से मूवर से घास काटने के बजाय बकरियों को इस काम पर रखा है। गूगल कैलिफोर्निया ग्रेजिंग कंपनी से 200 बकरियों किराए पर लेता है। ये सभी बकरियां लगभग एक हफ्ते तक गूगल हेडक्वार्टर में रहती है। घास खाने के साथ ही बकरियां जमीन को फर्टिलाइज भी कर देती है। नंबर 3, दुबई में एक ऐसा मॉल बनाया जा रहा है जहां इस मॉल के छत के नीचे ही पूरा एक शहर बसाया जाएगा। इस मॉल का नाम मॉल ऑफ द वर्ल्ड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होने के साथ ही दुनिया का सबसे शानदार मॉल भी होगा। इस इंडोर आउटडोर मेगा मॉल में शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, रेजिडेंस, होटल्स और लेजर अट्रैक्शंस है। सब कुछ एक ही छत के नीचे होगा। दिलचस्प बात यह है कि इसके ग्लास से बने छत को गर्मी के दिनों में बंद रखा जाएगा, वहीं सर्दी के मौसम में इसे खोल दिया जाएगा। ये पूरा मॉल 48 मिलियन स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैला होगा। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क, दुबई कल्चरल डिस्ट्रिक्ट और 20,000 होटल रूम्स का निर्माण भी किया जाएगा। मॉल ऑफ द वर्ल्ड तक आने के लिए 3 ट्रैम लाइंस होंगे। इस मॉल के अंदर जिस शहर का निर्माण किया जाएगा वहाँ कोई कार नहीं चलेगी, बल्कि लोगों को एयर कंडीशनर रोड पर पैदल चलना होगा। मॉल ऑफ द वर्ल्ड लोगों को बिल्कुल जन्नत सा एहसास कराएगा। नंबर 4, एक ऐसा मेंढक जो आपकी नजर के सामने होकर भी आपकी नजर में आने से बच सकता है। इस अनोखे मेंढक का नाम वियतनामीज मोजी फ्रॉग है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मूल रूप से वियतनाम में ही पाए जाते हैं। इस मेंढक की स्किन का कलर ग्रीन, ब्राउन और हल्का रेड होता है। इसकी स्किन की बनावट ऐसी है जिसकी वजह से अगर ये घास के बीचों बीच मौजूद हो तो इसे ढूंढ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसका नाम मोजी फ्रॉग भी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये चट्टानों के ऊपर उगने वाले काई की तरह दिखते हैं। इसके बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि जब इन्हें खतरा महसूस होता है तब ये खुद को समेट कर एक बॉल की तरह बन जाते हैं और मरने का नाटक करने लगते हैं ताकि शिकार के लिए आया जानवर इन्हें मरा हुआ समझकर वापस चला जाए। नंबर 5, एशियन एरोवाना या ड्रैगन एरोवाना नाम की ये मछली दुनिया की सबसे महंगी मछली है। इस मछली की कीमत इतनी ज्यादा है कि इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बेहद स्पेशल एंड रेयर ड्रैगन एरोवाना की कीमत $3,00,000 यानी लगभग 2,22,00,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं नॉर्मल ड्रैगन एरोवाना की एवरेज कीमत 52,00,000 रुपए तक होती है। इस मछली को लोग खाने के लिए नहीं बल्कि पालने के लिए खरीदते हैं। ये मछली मुख्य रूप से साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। इसकी लंबाई 3 फीट तक होती है। इसकी कीमत ज्यादा होने की मुख्य वजह ये है कि कुछ देशों में इसे भाग्यशाली माना जाता है और लोगों का मानना है कि इस मछली को घर में रखने से उनके पास बेइंतहा दौलत आने लगती है। जो शख्स एक मछली के ऊपर इतने पैसे खर्च कर सकता है उसके पास तो ऑलरेडी बेइंतहा दौलत होते होंगे। नंबर 6, जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम आम तौर पर ये कहते हैं कि कुत्तों जैसी जिंदगी हो गई है। हमारे मुंह से ये शब्द निराशा में ही निकलती है, लेकिन इस दुनिया में एक शख्स ऐसा है जो बड़ी खुशी के साथ इन शब्दों को बोलता है, क्योंकि भाई उस शख्स की जिंदगी सच में कुत्ते जैसी है और वो भी किसी मजबूरी में नहीं बल्कि शौक से। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के रहने वाले टॉम पीटर्स नाम के इस शख्स की हॉबी है कुत्ता बनना। उनकी ये हॉबी उनके ऊपर
इस कदर हावी है कि वो कुत्ते वाली जिंदगी ही जीते हैं। जब भी इन्हें कुत्ता बनाने का शौक होता है, ये कुत्तों वाले कॉस्ट्यूम पहनते हैं, अपने पार्टनर के साथ कुत्तों जैसा बिहेव करते हैं, चारों हाथ पैर चलते हैं, खाना भी कुत्ते की तरह खाते हैं, और तो और इनकी पार्टनर इनके गले में पट्टा बांधकर इन्हें बाहर घुमाने भी ले जाती है और फिर घर में वापस आकर इन्हें एक पिंजरे में बंद कर देती है। टॉम पीटर्स कुत्ता बनकर कई टीवी शो में भी आ चुके हैं। अगर इसे हॉबी कहते हैं तो फिर पागलपन किसे कहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, गुजरात के साबरकांठा जिले में स्थित पुंसारी गांव को इंडिया का स्मार्टेस्ट विलेज माना जाता है। गांधीनगर से 80 किलोमीटर दूर पुंसारी गांव में पंचायती राज सिस्टम का पालन किया जाता है और इस गांव में सिस्टम का पालन इतने अच्छे तरीके से किया जाता है कि इस गांव की काया पलट गई। इस गांव के स्कूलों में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को पढ़ाया जाता है। गांव के सभी लोगों के लिए वाईफाई कनेक्शन मौजूद है। गांव की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट है कि इस गांव में क्राइम रेट लगभग 0 है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। गांव के सभी घरों में मिनरल वाटर सप्लाई है, सीवर एंड ड्रेनेज सिस्टम, हेल्थ केयर सेंटर, बैंकिंग फैसिलिटीज और टोल फ्री कंप्लेंट रिसेप्शन सर्विसेज जैसी सुविधाएं भी इस गांव में मौजूद हैं। पुंसारी को गुजरात के बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड भी मिल चुका है। इस गांव में घूमने और यहां से चीजों को सीखने केन्या से अधिकारियों का एक दल भी आया था। पुंसारी ग्राम पंचायत ने जितनी मेहनत की है, अगर देश की दूसरी ग्राम पंचायत इसका आधा मेहनत भी करे तो ग्रामीण भारत की सूरत बदल सकती है। नंबर 8, मुंबई का ताज होटल दुनिया के सबसे शानदार होटलों में से एक है। इस लग्जरी होटल में मिलने वाली वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यहां आने वाले मेहमानों का दिल जीत लेती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस होटल में काम करने वाले वेटर्स की सैलरी दूसरे होटलों में काम करने वाले मैनेजर्स की सैलरी से भी ज्यादा होती है। ताज होटल के वेटर्स को हर महीने 80,000 से 1,20,000 रुपए तक मिलते हैं। इस सैलरी में कैश बोनस, स्टॉक बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशन शेयरिंग और टिप्स भी शामिल है। नंबर 9, इंस्टीट्यूट ले रोजी दुनिया का सबसे महंगा स्कूल है। इस स्कूल की एक साल की फीस इतनी ज्यादा है कि उतने पैसे में एक नया स्कूल ही शुरू किया जा सकता है। ली रोजे स्विट्जरलैंड के रोले में स्थित है। ये एक बोर्डिंग स्कूल है जिसकी शुरुआत 1880 में पॉल एमाइल कार्नेल नाम के शख्स ने की थी। दुनिया का सबसे महंगा स्कूल होने के साथ ही ये स्विट्जरलैंड का ओल्डेस्ट बोर्डिंग स्कूल भी है। इस स्कूल में 400 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए 150 टीचर्स मौजूद हैं। दुनिया के सबसे महंगे इस स्कूल की सालाना ट्यूशन फीस 1 करोड़ रुपए से लेकर 1,16,00,000 रुपए तक है। दुनिया भर के कई सारे रॉयल फैमिलीज के बच्चे इस स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।